हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मोडल्स पे, टेंस पे और प्रीपोजिशन पे और कंजंक्शन पे। अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आप भी इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा जो प्रैक्टिस वर्ड है वो है शुड। क्या है? शुड। शुड एक मोडल वर्ब है। शुड क्या है? एक मोडल वर्ब। शुड एक मोडल वर्ब है। शुड क्या है? एक मोडल वर्ब। माय डियर इंग्लिश लर्नर, शुड का अंग्रेजी भाषा में बहुत काफ़ी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर आपको कभी किसी व्यक्ति को सुझाव देना हो, अगर आप किसी व्यक्ति को सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? शुड का। अब शुड का कैसे प्रयोग किया जाता है? तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? शुड का। चलिए ना, इसे प्रैक्टिस माध्यम से हम लोग समझते हैं। प्रैक्टिस माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे कि शुड का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें सब्जी खरीदना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें मीनिंग याद करना चाहिए, तुम्हें कपड़ा धोना चाहिए, यू शुड वॉश क्लोथ। बहुत ही लाजवाब, यू शुड वॉश क्लोथ। तुम्हें कपड़ा धोना चाहिए, तुम्हें कार चलाना चाहिए, यू शुड ड्राइव कार। तुम्हें कार चलाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें घर सजाना चाहिए, यू शुड डेकोरेट होम। तुम्हें घर सजाना चाहिए, तुम्हें मंदिर में पूजा करना चाहिए, यू शुड वॉशिप इन द टेम्पल। तुम्हें मंदिर में पूजा करना चाहिए, तुम्हें सुबह में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, यू शुड रन 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। यू शुड रन 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें बॉल फेंकना चाहिए, यू शुड थ्रो बॉल। तुम्हें बॉल फेंकना चाहिए, तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, यू शुड यूज मोबाइल। तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, तुम्हें कपड़ा धोना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें हमेशा अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें 2 किलोमीटर टहलना चाहिए, तुम्हें 2 किलोमीटर टहलना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, यू शुड सीट। तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें खड़ा होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें जुआ खेलना चाहिए। अगर आपको इसी को निगेटिव बनाना होगा तो कैसे होगा? तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। बहुत ही लाजवाब, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें रात में नहीं जगना चाहिए, यू शुड नॉट वेक अप इन नाइट। यू शुड नॉट वेक अप इन नाइट। तुम्हें रात में नहीं जगना चाहिए, तुम्हें रात में नहीं टहलना चाहिए, यू शुड नॉट वॉक इन नाइट। तुम्हें रात में नहीं टहलना चाहिए, तुम्हें नहीं कपड़ा धोना चाहिए, यू शुड नॉट वॉश क्लोथ। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो माई डियर इंग्लिश लर्नर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब आराम से सुझाव दिया तो वहां पे मैंने शुड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? शुड का। अगर आपको किसी को फोर्स देकर, किसी को फोर्स कर सुझाव देना चाहते हैं तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। आप लोग समझ में आ रहा है ना?
तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं आराम से बोल रहा हूँ, तुम्हें क्रिकेट खेलना, आराम से सुझाव दे रहा हूँ, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलूँ, तुम्हें अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, वहाँ पर मस्ट हो जाएगा। जब आपको जरूर और अवश्य लगा देंगे, चाहे फोर्स करके बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। वही सुझाव अगर थोड़ा सा फोर्स करके बोलेंगे, थोड़ा सा दबाव डालकर बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। चलिए प्रैक्टिस के माध्यम समझते हैं। तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए, तुम्हें अवश्य पानी पीना चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक वाटर। तुम्हें अवश्य पानी पीना चाहिए, तुम्हें अवश्य कंप्यूटर चलाना चाहिए, यू मस्ट ऑपरेट कंप्यूटर। तुम्हें अवश्य कंप्यूटर चलाना चाहिए, तुम्हें अवश्य बॉल फेंकना चाहिए, यू मस्ट थ्रो बॉल। तुम्हें अवश्य बॉल फेंकना चाहिए, तुम्हें अवश्य गाना गाना चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें अवश्य गाना गाना चाहिए, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य कार चलाना चाहिए, तुम्हें अवश्य सब्जी बेचना चाहिए, यू मस्ट सेल वेजिटेबल। तुम्हें अवश्य सब्जी बेचना चाहिए, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य दरवाजा खोलना चाहिए, यू मस्ट ओपन द डोर। तुम्हें अवश्य दरवाजा खोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य बाहर जाना चाहिए, यू मस्ट गो आउट। तुम्हें अवश्य बाहर जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य चाय पीना चाहिए, तुम्हें अवश्य गृह कार्य पूरा करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट होमवर्क। तुम्हें अवश्य गृह कार्य पूरा करना चाहिए, तुम्हें अवश्य पूजा करना चाहिए, यू मस्ट वॉशिप। तुम्हें अवश्य पूजा करना चाहिए, तुम्हें अवश्य एडमिशन लेना चाहिए, तुम्हें अवश्य कार चलाना चाहिए, यू मस्ट ड्राइव कार। तुम्हें अवश्य कार चलाना चाहिए, तुम्हें अवश्य नहाना चाहिए, तुम्हें अवश्य मुंह धोना चाहिए, तुम्हें अवश्य बैठना चाहिए, यू मस्ट सीट। तुम्हें अवश्य बैठना चाहिए, तुम्हें अवश्य पैसा कमाना चाहिए, यू मस्ट अर्न मनी। तुम्हें अवश्य पैसा कमाना चाहिए, तुम्हें अवश्य घर सजाना चाहिए, यू मस्ट डेकोरेट होम। तुम्हें अवश्य घर सजाना चाहिए, तुम्हें अवश्य साइकिल चलाना चाहिए, तुम्हें अवश्य बात करना चाहिए, यू मस्ट टॉक। तुम्हें अवश्य बात करना चाहिए, तुम्हें अवश्य वहाँ खड़ा रहना चाहिए, यू मस्ट स्टैंड देयर। तुम्हें अवश्य वहाँ खड़ा रहना चाहिए, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य कोचिंग जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य पापा से मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट विद फादर। तुम्हें अवश्य पापा से मिलना चाहिए, तुम्हें अवश्य पापा से मिलना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए, तुम्हें अवश्य सोचना चाहिए, तुम्हें अवश्य पानी पीना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यह शुड और मस्ट का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं कैन से संबंधित, किससे संबंधित, कैन से संबंधित। अगर आपको अपनी एबिलिटी कैपेसिटी और पावर दर्शाना हो तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। एबिलिटी कैपेसिटी और पावर, एबिलिटी कैपेसिटी और पावर, आप जो कर सकते हैं अगर उस चीज को दर्शाना चाहते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। यह मेरी एबिलिटी है, कैपेसिटी है और पावर है जो मैं कर सकता हूँ। उस चीज को बताने के लिए आपको वहां पर लगाना है कैन। क्या लगाना है, कैन। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं मीनिंग याद कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इन द रिवर। मैं सुबह में जग सकता हूँ, आई कैन वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जग सकता हूँ, मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, मैं पैसा भेज सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, आई कैन स्टैंड अप। मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ,
आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं सब्जी खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई वेजिटेबल, मैं सब्जी खरीद सकता हूँ, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लेन विद योर फादर, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर सकता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया, जब कभी भी आपको अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दर्शाना होगा तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे कैन। अगर यहाँ पे अगर हम जानना चाहते हैं, मैंने जो कैन का प्रयोग किया वो प्रेजेंट में किया, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं प्रेजेंट में वो काम कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है। तो अगर आप अपनी चीजों को, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दर्शाना चाहते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पे आप कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन। अगर इसी चीज को पास्ट में बताना चाहते हैं तो वहां पे आप लगाएंगे कुड, मैं पढ़ा सकता था। अगर अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर अगर पास्ट में बताना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? कुड। क्या लगाएंगे? कुड। क्या लगाएंगे? कुड। और पास्ट की जो आईडी होती है, सकता था और सका पाया। कुड का जो आईडी क्या होता है? सकता था और सका पाया। कुड की आईडी क्या होती है? सकता था, सका पाया। कुड की आईडी क्या होती है? सकता था, सका पाया। अभी आप प्रैक्टिस के माध्यम समझ जाएंगे। चलिए जानते हैं। मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं बोल सकता था, मैं बोल सकता था, मैं खेल सकता था, मैं जा सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं मार सकता था, मैं लात मार सकता था, आई कुड किक, मैं लात मार सकता था, मैं पानी पी सकता था। जो आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर अगर पास्ट में बताना चाहते हैं तो वहां पर आप कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। मैं दरवाजा खोल सकता था, मैं कंप्यूटर चला सकता था, मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता था, आई कुड मीट विद योर फादर, मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता था, मैं कार चला सकता था, मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक फूड, मैं खाना बना सकता था, मैं पैसा भेज सकता था, आई कुड सेंड मनी, मैं पैसा भेज सकता था, मैं नौकरी कर सकता था, मैं घोटाला कर सकता था, आई कुड स्कैम, मैं घोटाला कर सकता था, मैं आरोप लगा सकता था, आई कुड एलर्जी, मैं आरोप लगा सकता था, मैं सोच सकता था, मैं बता सकता था, मैं कह सकता था, मैं बोल सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं आ सकता था, मैं बैठ सकता था, मैं खड़ा हो सकता था, मैं कंप्यूटर सीख सकता था, आई कुड लर्न कंप्यूटर, मैं फल खा सकता था। फ्रेंड्स, तो आपके पास जो एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, पावर था, अगर उसको पास्ट में बताना चाहा तो आपने बताया। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं, मतलब हो सकता था लेकिन काम हुआ नहीं, वहां पर जो इसकी आईडी होगी, सकता था तो होगा लेकिन कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? कुड हैव। मैं बोल रहा हूं, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, वह अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन मैंने बोला नहीं, अगर इस तरह का सेंस आप बोलना चाहते हैं तो वहां पर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए ना इसे प्रैक्टिस माध्यम समझते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, काम हो सकता था, काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वहां पे इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं कपड़ा धो सकता था, आई कुड हैव वॉश्ड क्लोथ। मैं कपड़ा धो सकता था, आई कुड हैव वॉश्ड क्लोथ। मैं कपड़ा धो सकता था, मैं पढ़ा सकता था, थोड़ा सा मेरे बोलने का सेंस देखिए, मैं कार चला सकता था, आई कुड हैव ड्राइविंग कार। मैं कार चला सकता था, मैं पत्र लिख सकता था, मैं काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। जब ऐसा भाषा बोलना होगा तो वहां पे कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख सकता था, मैं मोबाइल चला सकता था, आई कुड हैव यूज्ड मोबाइल। मैं मोबाइल चला सकता था,
मैं कंप्यूटर चला सकता था, आई कुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता था, मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता था, आई कुड हैव मीट विद योर फादर, मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता था, मैं समझा सकता था, आई कुड हैव टोल्ड, मैं समझा सकता था, मैं समझा सकता था, मैं फूल तोड़ सकता था, मैं खाना बना सकती थी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उस सेंस में आप बोलेंगे कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहां पर क्या यूज करेंगे? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम हो सकता था, इसका भी जो आईडी है ना, सकता था तो है, लेकिन यहां पे आपको लगाना है काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो वहां पे आपको लगाना है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि होता क्या है ना कि जब कभी भी कोई लर्नर जो फ्रेशर है, जो नया है, अंग्रेजी सीख रहा है और अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं फंसता है तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस से फंसता है। बोलता है पास्ट की सेंटेंस लेकिन निकलता है प्रेजेंट का सेंटेंस। तो इस सेंस में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं थोड़ा। चलिए जानते हैं कैसे प्रैक्टिस होगा। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। चले जानते हैं। ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज लगता है, वी यू के साथ वर लगता है। ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज लगता है, वी यू के साथ वर लगता है। ही सी इट नेम एंड आई के साथ क्या लगता है? वाज। और वी यू के साथ क्या लगता है? वर। मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। वह बोल रहा था, मैं पढ़ा रहा था। वह बोल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मेरे पापा बाजार जा रहे थे, वे लोग सोच रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे लोग सोच रहे थे। वे लोग दौड़ रहे थे, वे लोग नहा रहे थे। दे वर बाथिंग, वे लोग नहा रहे थे। वे लोग पैसा कमा रहे थे। दे वर अर्निंग मनी, वे लोग पैसा कमा रहे थे। वे लोग दौड़ रहे थे। वे लोग कपड़ा धो रहे थे। मेरे पापा बाहर जा रहे थे। मेरे पापा बाहर जा रहे थे। मेरी मम्मी खाना बना रही थी। मेरी बहन स्कूल जा रही थी। मैं सोच रहा था, मैं उस समय रोड पर दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग ऑन द रोड दैट टाइम, मैं उस समय रोड पर दौड़ रहा था। मैं उस समय खाना खा रहा था। मैं उस समय चाय पी रहा था। आई वॉज हैविंग टी दैट टाइम, मैं उस समय चाय पी रहा था। मैं सोच रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं बोल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं बाहर खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग आउट, मैं बाहर खेल रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे, चिल्ड्रेन वर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे थे। वे लोग साइकिल चला रहे थे। दे वर राइडिंग बाइसिकल, वे लोग साइकिल चला रहे थे। मैं सब्जी खरीद रहा था। आई वॉज बाइंग वेजिटेबल, मैं सब्जी खरीद रहा था। मेरे पापा पूजा कर रहे थे। माई फादर वॉज वर्शिपिंग, मेरे पापा पूजा कर रहे थे। वे लोग गाली दे रहे थे। वे लोग गाली दे रहे थे। वे लोग डांट रहे थे। वे लोग जुआ खेल रहे थे। वे लोग शर्त लगा रहे थे। दे वर बेटिंग, वे लोग शर्त लगा रहे थे। वे लोग नौकरी कर रहे थे। हम लोग जा रहे थे। वी वर गोइंग, हम लोग जा रहे थे। हम लोग खाना खा रहे थे। वी वर ईटिंग फूड, हम लोग गाना गा रहे थे। हम लोग नहा रहे थे। वी वर वॉकिंग, हम लोग नहा रहे थे। मेरे पापा मुझे डांट रहे थे।
माई फादर वॉज स्कॉल्डिंग मी, मेरे पापा मुझे डांट रहे थे। मैं दरवाजा खोल रहा था, आई वॉज ओपनिंग, मैं दरवाजा बंद कर रहा था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है पास्ट कंटिन्यूअस जो कॉन्सेप्ट है वाज वर्क का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट पर। जैसे कि होता गया ना, बहुत सारे ऐसे भी लर्नर हैं जो सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर पाते हैं, तो चलिए जानते हैं उन्हीं लोग के लिए यह वीडियो है। जो लोग सेकेंड, अक्सर क्या होता है ना कि सेकेंड फॉर्म वाला जो सेंटेंसेस होते हैं बोलने में थोड़ा और लगता है, क्योंकि बहुत लर्नर ऐसे भी हैं जिनको सेकेंड फॉर्म याद नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से अपने सेंटेंस को बोल नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो आप ही के लिए है, तो चलिए जानते हैं सेकेंड फॉर्म का कैसे प्रयोग किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। तो माय डियर, अगर मैं आपको बता दूं सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कब वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसे लगता है, चलिए जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के में ताथा तिथि तेथे आ ई ए, ताथा तिथि तेथे आ ई ए, ताथा तिथि तेथे आ ई ए आता है, वहां पर आपको लगाना है सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही सी इट नेम एंड आई वी यू देयर, सभी साथ लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या लगेगा? ही सी इट नेम एंड आई वी यू देयर, सभी साथ क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए जानते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। मैंने बोला आई स्पोक, मैंने बोला आई स्पोक, मैंने खेला आई प्लेड, उसने कहा ही सेड, उसने कहा उसने बताया ही टोल्ड, उसने बताया मैंने बुलाया आई कॉल्ड, मैंने बुलाया पापा बुलाए फादर कॉल्ड, पापा बुलाए मैंने रोया मैं रोया आई वेप्ट, मैंने रोया वे लोग चिल्लाए दे क्राइड, वे लोग चिल्लाए मैंने चुराया आई स्टोल, मैंने चुराया मैंने किया आई डिड, मैंने किया मैंने किया उसने किया उसने किया वे लोग किए हम लोग किए वी डिड, हम लोग किए पापा बोले फादर स्पोक, पापा बोले मोहन बोला मम्मी बोली मैंने पढ़ाया आई टॉट, मैंने पढ़ाया उसने पढ़ाया ही टॉट, उसने पढ़ाया उसने पढ़ाया राधा पढ़ाई राधा टॉट, राधा पढ़ाई मैंने सोचा आई थॉट, मैंने सोचा उसने सोचा ही थॉट, उसने सोचा मैंने सोचा मम्मी सोची मैंने भाषण दिया आई डिलीवर स्पीच, मैंने भाषण दिया पापा भाषण दिए फादर डिलीवर स्पीच, पापा भाषण दिए वे गए दे वेंट, वे गए वे गए वे आए दे केम, वे आए वे आए वे आए मैं खड़ा हुआ आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ मैं खड़ा हुआ वे खड़ा हुए दे स्टूड, वे खड़ा हुए मैंने लिखा आई रोट, मैंने लिखा उसने लिखा ही रोट, उसने लिखा उसने लिखा मोहन लिखा मैंने देखा आई सॉ, मैंने देखा पापा देखे मम्मी देखी भैया देखे वे लोग देखे दे सा, हम लोग देखे वी सा, हम लोग देखे। अगर इसी को निगेटिव में प्रयोग करेंगे तो वहां पर लग जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, बस पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव से लेके इंट्रोगेटिव तक आपका सब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने नहीं किया आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं खाया आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं गाया आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं गाया मैंने नहीं गाया आई डिड नॉट सिंग, मैंने नहीं गाया मैंने नहीं पढ़ाया आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। तो अब हम लोग रैंडम प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा रैंडम प्रैक्टिस कर लीजिए आप भी, और रैंडम प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैं फ्यूचर इंडिफिनिट उठाता हूँ, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम गाना गाओगे, क्या तुम घर आओगे, विल यू कम एट होम, क्या तुम घर आओगे, क्या तुम नहाओगे, क्या तुम सोओगे, विल यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, क्या तुम सोओगे, क्या तुम दौड़ोगे। Will you run?
So friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification. Till then, bye-bye.